वही है मेट्रो बस। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही ख़ास, कतर मेट्रो पे है। जो लोग यहाँ पे नए आते हैं कतर में, फ्रेशर होते हैं, जो लोग यहाँ पे बिल्कुल नए जॉब वगैरह की तलाश में होते हैं, तो कतर मेट्रो में कैसे आना जाना है, क्या चीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, सब बताऊँगा। तो सबसे पहले जहाँ आप रहते हैं वो एरिया में, वहाँ पर मेट्रो के लिए बस चलती है, इलेक्ट्रिसिटी बस जो होती है, किसी से आप पूछ लेंगे तो जहाँ उसका स्टॉप होता है वहाँ पर जाके बैठेंगे और वो बिल्कुल फ्री होती है। तो वो ले जाके आपको जहाँ पे आपकी जर्नी शुरू होगी स्टेशन से, जो भी वो आपको वहाँ पे ड्रॉप करेगी, फिर वहाँ से आपको एक कार्ड लेना पड़ता है स्टेशन से, मेट्रो कार्ड। अगर वहाँ पे जो होगा तो उनके लोग होते हैं वहाँ पे, आप जाके पूछेंगे जो भी इंक्वायरी अपना जहाँ पे होती है, तो वो अपना कार्ड वगैरह जो होगा वो बताएँगे। तो उस कार्ड को ना एक मशीन होती है वहाँ पर सामने, वो दिखाते हैं, तो उसमें रख के एक बॉक्स टाइप होता है चौकोर सा, जैसे हम लोग कैसे करते हैं ये होता है एटीएम में जाके जो स्कैन करते हैं अपना एटीएम कार्ड, तो उसको कुछ ऐसे लगाना नहीं होता, बस ऐसे रख देना होता है, वो अपना स्कैन कर लेता है, फिर वो उसको पैसा रहता है अपना जेब में हार्ड कैश जो होता है, उसको डाल के आपको मशीन के साइड में, जैसे मशीन एटीएम में से निकलता है तो उसको उल्टा डालना रहता है, तो वहाँ पे रखेंगे वो पैसा अंदर चला जाएगा, फिर आपको रिचार्ज का ऑप्शन आएगा। नहीं रहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं जो भी हैं तो वो खुद ही बताएँगे, वो खुद ही करा देंगे आपका। तो 10 रियाल का कम से कम मिनिमम होता है, अभी मैं उस दिन गया था, तो उसको डाल के रिचार्ज करना है। उसके बाद आपका जो जर्नी कतर में कहीं भी आप जाएंगे मेट्रो से, तो 2 रियाल जाने का, 2 रियाल वापस आने का खर्चा होगा, और जो बस की सेवा रहेगी आपकी वो फ्री रहेगी, आपके घर तक ड्रॉप करने की, घर से ले जाने की, अगर आपके घर के पास है, अगर थोड़ा घर से थोड़ा दूर जाके मिलती है तो ठीक है, उतना तो चलना होगा आपको, ठीक है। तो और अंदर जाके कैसे आप आए, चाहे घबराएं बिल्कुल मत, वहाँ पे इंडियन लोग भी होते हैं, बहुत लोग हिंदी भी बोलते हैं, आप उनसे जाके पूछ भी सकते हैं, जो लोग इंग्लिश वगैरह नहीं जानते, बाकी जो लोग पढ़े लिखे इंग्लिश वगैरह जानते हैं तो डायरेक्शन पूरी दी हुई थी, वे टू इधर, वे टू उधर, जो भी है, लेफ़्ट राइट स्ट्रेट जैसे भी जाना है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं भी पहले बहुत घबराता था यार, क्या होगा कैसे होगा, मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, सब कुछ जानता था, लेकिन एक होता है ना, लेकिन अब कुछ नहीं, एकदम ईजी है, जो मुंबई में अगर रह लिया उनके लिए तो और ईजी है, तो यहाँ पे बाकी हर चीज़ रहता है बिल्कुल इजी है, वे टू इधर, वे टू आउट, वे टू एग्जिट, वे टू हर चीज़ रहता है, आउट इन कहाँ से कैसे करना है, कौन सा गेट है, तीसरा दूसरा, हर चीज़ है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अलमतार कदीम, यहाँ से लेके उसके बाद यहाँ से मुशरिफ के लिए लेना है, इसमें रख के स्वाइप वगैरह नहीं, बस ऐसे ही स्कैन कर लेगा। मैं क्या पूछ पाछ लूँ कहीं वीडियो वगैरह बनाने के लिए, मना करेंगे तो ना बनाया जाए, सिंपल ही है, इसमें डालना उसके बाद निकाल देना, ख़त्म। देखो ऐसे जाना है यहाँ पे, देखो ये सब लिखा होगा ना, हम लोग को मुशरिफ जाना है, देखो मुशरिफ का दिखा रहा है सामने, यहाँ से अपना होके ये एरो दिखा रहा राइट साइड, यहाँ पे आएगी स्टैंडर्ड, इसमें जाना, अगर आप अकेले हो, फैमिली के साथ नहीं हो, फैमिली का अलग होता है, ये पूरा स्टैंडर्ड है, यहाँ से फैमिली का उधर है पूरा सेक्शन, ट्रेन देखो अपना सफर हो रहा है एग्जिट स्टेशन, वही सबसे बड़ा है जंक्शन, क्यों देखेंगे अभी पता करने, आ गए हम लोग ऊपर जल्दी जल्दी से।